नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी इस नई वीडियो में। तो दोस्तों आपको बता दें, रेलवे ने NTPC 1/2019 का रिवाइज स्कोर कार्ड रिजल्ट और कट ऑफ जारी कर दिया है। जी हाँ दोस्तों, वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं आप अपना स्कोर कार्ड यानी कि रिवाइज स्कोर कार्ड कैसे चेक करेंगे। आपको लाइव अभी हम चेक करके भी दिखाने वाले हैं, देख सकते हैं आपकी स्क्रीन पे जो खुला हुआ है। यहाँ पे आपको केवल दो चीज की जरूरत है, पहला आपको रोल नंबर डालना है, दूसरा आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ डालनी, तीसरा आपको एक कैप्चा डालना है। तो हम आपको चेक करके दिखाते हैं, उससे पहले आपको एक चीज और बता देते हैं, ये रिजल्ट आपको कहाँ पर मिलेगा। तो दोस्तों ये रिजल्ट आपको मिलेगा rozgarresult.com पे। जी हाँ दोस्तों, ट्रस्टेबल और बहुत ही सबसे तेज अपडेट होने वाली वेबसाइट rozgarresult.com। साथ ही साथ ये रिजल्ट आपको मिलेगा sarkarirezult.com पे। गूगल पे जब भी सरकारी रिजल्ट लिखिए, लास्ट में .com जरूर लगाइए। तो दोस्तों आपको बता दें, रिजल्ट दो तरीके से जारी हुए। पहला आपको दिखा देते हैं जो सिस्टम एक है, जो रीजन वाइज यानी आपने जिस RRB के लिए अप्लाई किया है, उस RRB पे जो है आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, जहाँ पे आपको सभी RRB के लिंक जो है मिल जाएंगे। तो इस तरीके से रिजल्ट की एक PDF जारी हुई है, जिसमें आप अपना रिजल्ट को देख सकते हैं। मैं आपको एक रिजल्ट चेक करके भी दिखा देता हूँ। तो आपको क्या करना है, अगर आप इसको मोबाइल पे चेक कर रहे हैं तो आपको फाइंड या सर्च का ऑप्शन होगा, वो आपको सर्च करना है। और जैसे ही यहाँ पे देखिए, इस तरीके से बॉक्स खुल गया, यहाँ पे आपको रोल नंबर डालना है। जैसे ही आप रोल नंबर डालेंगे और आपका रोल नंबर इस तरीके से हाईलाइट होकर आ जाता है, तो आप समझ लीजिए आप जो है क्वालिफाइड है। अगर आप रोल नंबर डालते हैं हाईलाइट होकर नहीं आता है, तो आप समझ सकते हैं कि आप जो है नॉट क्वालिफाइड। अब हम चलते हैं दूसरे मेथड पे, यानी कि अपना स्कोर कार्ड जो लोग क्वालिफाइड है, नॉट क्वालिफाइड है, दोनों ही लोग जो है चेक कर सकते हैं। तो स्कोर कार्ड को चेक करने के लिए आपको दो चीज़ें चाहिए, रोल नंबर और डेट ऑफ बर्थ। तो मेरे पास रोल नंबर भी है, डेट ऑफ बर्थ भी है। मैं यहाँ पे अपना जो है डेट ऑफ बर्थ जो है डालता हूँ। तो मैंने यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ डाल दी है, अपना जो रोल नंबर जो है वो डालता हूँ। तो मैंने यहाँ पे अपना रोल नंबर डाल दिया है, डेट ऑफ बर्थ डाल दिया। मैं सबमिट पे क्लिक करता हूँ। दोस्तों जैसे आप सबमिट करेंगे, यहाँ पे आप देख सकते हैं आपका रोल नंबर दिख जाएगा, आपका रजिस्ट्रेशन नंबर मिल जाएगा, यहाँ पे आपका नाम है, आपने किस रीज़न के लिए अप्लाई किया। बता दूँ, किसी भी रीज़न के लिए अप्लाई किया हो आप जो अपना स्कोर कार्ड देख सकते हैं। पोस्ट प्रेफरेंस आपने क्या डाला था वो भी आपको यहाँ पे मिल जाएगा। साथ ही साथ यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो आपको रिवाइज स्कोर कार्ड मिल जाएगा। जी हाँ दोस्तों, रिवाइज स्कोर कार्ड जो पिछली बार था उसमें क्या अंतर है वो आपको खुद ही मिल जाएगा। और लास्ट में आप देखेंगे तो सबसे मेन चीज़ ये है कि आप जो स्टेज टू यानी कि अगला स्टेज फेज टू के लिए क्वालिफाइड है कि नहीं, वो भी जानकारी आपको यहाँ पे मिल जाएगी। जो लोग क्वालिफाइड होंगे यहाँ पे सक्सेस लिखा रहेगा, जो लोग नॉट क्वालिफाइड होंगे यहाँ पे नॉट क्वालिफाइड आ जाएगा। और यहाँ पे बैक का बटन आ रहा है, अगर आपको किसी और कैंडिडेट का चेक करना है तो बैक कर सकते हैं। साथ ही साथ बता दूँ आपको कि ये लिंक मैंने आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, आप वहाँ से भी RRB NTPC का रिवाइज रिजल्ट स्कोर कार्ड मार्क्स चेक कर सकते हैं। और साथ ही साथ ये लिंक आपको sarkarirezult.com और rozgarresult.com पर भी उपलब्ध है, जिसकी मदद से आप उसको चेक कर सकते हैं। तो दोस्तों वीडियो कैसी लगी जरूर बताइएगा। आपको आपके रिजल्ट के लिए शुभकामनाएं, बहुत जल्द मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए इजाजत दीजिए, नमस्कार, धन्यवाद।